Now we are going to complete exercises of chapter number 6, playing in the park. Comprehension A, choose the correct option. First, Adi and Anya are, correct option is C, brother and sister. Then second, the children take these things to the park. Ye bacche kya lekar gaye the park mein apne saath? Correct option is B, a ball and a water bottle. Correct. Then third, Rohan and Riya are. याद है आप लोगों को रोहन और रिया? रिया वो जिसका बॉल, जिसके बॉल के पीछे कौन भाग रहा था? भोलू. और वो रो रही थी और उसके पास में रोहन खड़ा था. ये दो बच्चे. करेक्ट ऑप्शन सी, टू चिल्ड्रन इन द पार्क. हु आर नोन टू आदि एंड आना. ये दो बच्चे थे पार्क में जो आदि और आना को पहचानते थे. देन नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, whose idea was it to go to the park? Correct answer is, it was Adi and Anna's idea to go to the park. Then second, why did the children shout hurray? बच्चे क्यों चिल्लाते हुर्रे कर कर? क्योंकि उनकी मम्मा ने क्या किया था? उनकी मम्मा ने उन्हें परमिशन दी थी, अलाउ किया था कि हम लोग भोलू को भी साथ लेकर जाएंगे. एंड करेक्ट आंसर इज, द चिल्ड्रन शाउट हुर्रे बिकॉज मदर अलाउड देम, allowed Bholu to go with them. Then third, what would have happened if Adi did not wait for the swing to stop? आपको ये इंसिडेंट याद आया जब आदि खेलते रहता और कहा जाता है वो स्विंग के सामने से, तब अगर वो नहीं रुका होता तो क्या हुआ होता? If Adi did not wait for the swing to stop, अगर उसने झूला रुकने का वेट नहीं किया होता तो क्या होता था? He would have hurt himself. उसे अगर वो गिर जाता तो उसे लग जाता था, उसे चोट लग जाती. Then fourth, why did Rohan pick up a stone? An answer is, Rohan pick up a stone to throw it at Bholu. क्योंकि Bholu क्या कर रहा था? Bholu रिया के बॉल के पीछे भाग रहा था, इसलिए रोहन ने क्या किया था? एक पत्थर उठाया था Bholu को मारने के लिए. Then next question, why did you think Bholu listen to Anya? हम लोगों ने देखा ना लास्ट में जब आना ने भोलू से कहा था कि मुझे वो बॉल दे दो, तो भोलू ने बॉल दे दी थी. क्यों उसने सुना होगा आना का? क्योंकि भोलू किसका पेट था? आना का. देन करेक्ट आंसर इज, भोलू लिसन टू आना बिकॉज ही इज आना पेट.